तो आज मुझे वेज बर्गर खाने का मन था, तो मैं बना ही रही थी तो हमने सोचा कि क्यों ना आप सबके साथ भी शेयर किया जाए। यहाँ पर हमने 4 आलू को उबाल के अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 चॉप किया हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, चॉप किया हुआ अदरक लहसुन, नमक डालेंगे जायके के हिसाब से, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा, काली मिर्च पाउडर। तो यहाँ हमने पोहा को ग्राइंड करके पाउडर बना लिया है, तो इसे भी डाल देंगे, इससे बड़ा अच्छा टिक्की बनेगा हमारा। अब यहाँ बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डालेंगे और सारी चीजों को अच्छे से मिला लेना है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी हाथों में ऑयल लगा के इसे टिक्की बना लेते हैं इस तरीके से। अब हम मैदा के घोल में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स में सब तरफ अच्छे से कोट कर लेना है। अब इसे ना गरम तेल में डाल के दोनों तरफ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बन में थोड़ा सा बटर लगाएंगे और फ्राई पैन में इसे टोस्ट कर लेते हैं। एक बन लेंगे और तैयार किया हुआ सॉस लगाएंगे। अगर आपको प्याज और टमाटर पसंद हो तो आप टमाटर प्याज भी रख सकते हैं या ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है।